पंजाब में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिद्धू के इस्तीफे के बाद पार्टी के नेतृत्व पर फिर उठे सवाल। पार्टी में जारी घमासान पर बोले G23 के नेता कपिल सिब्बल, पार्टी का कोई अध्यक्ष नहीं, पता नहीं कौन ले रहा फैसले। सोनिया गांधी को चिट्ठी लिख सेंट्रल वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाने की करेंगे मांग। पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए जल्द हो चुनाव। पंजाब कांग्रेस में संकट पर बोले कपिल सिब्बल, राज्य में पार्टी को एकजुट रहने की जरूरत। सीएम चरणजीत सिंह ने कहा सिद्धू से हुई बात, दूर की जाएगी उनकी शिकायतें। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान सामान और सर्विसेज के लिए असल कीमतों से सैकड़ों गुना ज्यादा करना पड़ा भुगतान। 300 रुपए के ऑक्सीमीटर के लिए 1500, 33,000 के ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के लिए 1,00,000 और ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए असल कीमतों से 400% ज्यादा चुकाई कीमत। 25 किलोमीटर तक के यात्रा के लिए एम्बुलेंस ने लिए 42,000, लोकल सर्कल की रिपोर्ट में खुलासा, 70% लोगों ने एम्बुलेंस के लिए असल से ज्यादा कीमतें चुकाई, 50% ने एम्बुलेंस के लिए चुकाई 500% ज्यादा कीमतें। अमेरिकी संसद में अफगानिस्तान आतंकवाद निरोधी निगरानी और जवाबदेही अधिनियम के नाम से विधेयक पेश। फॉरेन रिलेशन कमेटी के सदस्य और सीनेट जिम रीश की अध्यक्षता में 22 सीनेटर्स ने पेश किए विधेयक। अफगानिस्तान से तेजी से अमेरिका फौज को निकालने को लेकर बाइडेन प्रशासन से मांगा जवाब। अफगानिस्तान में तालिबान के पहले और बाद में पाकिस्तान की भूमिका की होगी जाँच। पंजशीर घाटी में तालिबानी हमले पर भी पाकिस्तान की भूमिका की जाएगी पड़ताल। पाकिस्तान ने कहा पाकिस्तान को एक बार फिर आतंक के खिलाफ युद्ध में अमेरिका का साथ देने की चुकानी होगी कीमत। कारोबारी दिन बुधवार को शेयर बाजार में बना रहा उतार चढ़ाव। 59,678.66 की ऊंचाई पर पहुंच 254.33 अंकों की गिरावट के साथ 59,413.27 पर बंद। निफ्टी 37.30 अंकों की गिरावट के साथ 17,711.30 पर बंद। दिन भर के कारोबार में 17,781.75 की ऊंचाई तक पहुंचा निफ्टी। सेंसेक्स के SBI को छोड़ अन्य बैंकिंग शेयरों में रही बिकवाली। निफ्टी के बैंक, ऑटो, फाइनेंशियल सर्विसेज, FMCG और प्राइवेट बैंक को छोड़ सभी सेक्टर्स के इंडेक्स में रही बढ़त। और नोएडा के सेक्टर 93 स्थित 40 मंजिला ट्विन टावर को गिराए जाने के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा रियल एस्टेट डेवलपर सुपरटे। याचिका में करोड़ों रुपए के बचत का तर्क दे सिर्फ एक ही टावर को ध्वस्त किए जाने की मांग। विशाल निर्माणाधीन टावर में 900 से ज्यादा फ्लैट। निर्माण के नियमों में उल्लंघन की वजह से ध्वस्त किए जाने के दिए गए आदेश। परियोजनाओं के क्लियरेंस से संबंधित अथॉरिटी को सुपरटेक ने 111 करोड़ का नहीं किया भुगतान। लॉजिक सिटी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड ने 28 करोड़ और मैस्कॉट होम्स प्राइवेट लिमिटेड ने 20 करोड़ नहीं किया भुगतान।